हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन। आज के इस वीडियो में एक नई भर्ती की अपडेट हम आपको देंगे, जिसके लिए आप आज से ही आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, शिक्षक भर्ती के लिए आप आज से ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा TGT, PGT, रेलवे ग्रुप डी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर भी बिग अपडेट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा विभिन्न सोशल मीडिया पर अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करेंगे 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर, क्योंकि इसकी मांग काफ़ी लंबे समय से हो रही है। काफ़ी ज़्यादा DL-ED BED के छात्र हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए मांग भी ज़रूरी है। और प्राथमिक शिक्षकों के पद भी 2 लाख के आसपास खाली हैं। आपको पता होगा कि स्थिति ये हो गई है कि जो DL-ED 2022-23 का प्रवेश हो रहा है उसमें केवल 2,40,000 से ज़्यादा सीटें हैं प्राइवेट और सरकारी मिलाकर। उसमें केवल और केवल अभी तक माने 50,000 ही केवल आवेदन आए हुए हैं। तो ये स्थिति आ गई है, यानी कि जब भर्ती ही नहीं है तो छात्र इस कोर्स को करने के बाद करेंगे भी तो क्या करेंगे। और इसी क्रम में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, इसके लिए आज सभी प्रशिक्षुओं को इसमें साथ देना आवश्यक है। क्योंकि जो ट्विटर अभियान है वो आज रविवार यानी कि 3 जुलाई आज के दिन यहाँ पर शुरू होगा सुबह 11 बजे से, जिसका हैशटैग आप यहां पर अच्छे से नोट कर लें। आप देख सकते हैं हैशटैग UP Needs-Primary Teachers। इस हैशटैग का आप अधिक से अधिक प्रयोग करें आज, और प्रयोग करते हुए जितने अधिक से अधिक हो सकें ट्वीट करें। अकाउंट नहीं है तो ट्विटर अकाउंट बना लें, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्विटर पर ये चीज़ ये हैशटैग ट्रेंड करेगा उतने ज़्यादा जो है आपकी आवाज़ अधिकारियों तक, सरकार तक पहुँचेगी। ठीक है, ये सभी चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि आपकी ये जो आवाज़ है वो बनी रहे, शासन को ये लगे कि वाकई में प्राथमिक शिक्षकों की आवश्यकता है। छात्र इंतज़ार भी कर रहे हैं जिस कारण से विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये करना बहुत ही आवश्यक है अगर आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में चाहते हैं तो। तो दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ट्वीट करने के बाद अभी से आप आवेदन कर सकते हैं NVS में। जी हाँ, नवोदय विद्यालय समिति के लिए 1616 पदों का जो नोटिफिकेशन है वो फिलहाल जारी हो चुका है, जहां पर आप प्रिंसिपल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इत्यादि, TGT, PGT इत्यादि पद जो हैं उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अधिकतम 35 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष हैं, अलग अलग पोस्ट के अनुसार आयु सीमा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, BEd होना चाहिए, समकक्ष शिक्षण डिग्री कोई भी आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए कुछ अनुभव की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT टेस्ट यहाँ पर आपका होगा, उसके बाद इंटरव्यू, कुछ पर्सनल इंटरेक्शन से संबंधित कुछ चीज़ें होंगी, इसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और छात्रों का चयन किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा में 150 अंक निर्धारित किए गए हैं, और याद रखिएगा इसमें माइनस मार्किंग भी है, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग विषयों को आदि प्रश्न पूछे जाएंगे। और माइनस मार्किंग को आप जरूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सही चीज़ है, मतलब इसको अगर आप गलत तरीके से प्रश्न को हल कर देते हैं तो उससे आपके सही प्रश्न भी कट जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके होने चाहिए जो भी संबंधित रहेंगे, 2,000 रुपये, 1,800 रुपये, इसके अलावा अन्य और भी शुल्क हैं तो वो शुल्क के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग शुल्क रहेगा कैटेगरी का। www.navodaya.gov.in आधिकारिक वेबसाइट है, यहाँ से जाकर अभी नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और तुरंत आवेदन कर लें, क्योंकि 22 जुलाई 2022 तक ही मौका है आपके पास आवेदन करने का। अब दोस्तों, TGT PGT की बात करें, उससे पहले हम आपको बता दें RRB में जो छात्र थे यहाँ पर ग्रुप डी के, उनका इंतज़ार समाप्त हो चुका है, क्योंकि 17 अगस्त से इसके लिए जो परीक्षा है वो यहाँ पर शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो जो भी छात्र इच्छुक हैं वो 17 अगस्त से इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। लगभग 2 महीने तक ये परीक्षा चलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा लाखों की संख्या में छात्र हैं जो इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। अब दोस्तों, अपडेट है नई TGT PGT शिक्षक भर्ती को लेकर। काफ़ी लंबे समय से छात्रों की मांग थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनके कुछ कोर्स से संबंधित जो सर्टिफिकेट से या रिजल्ट से वो नहीं मिले थे, इस कारण से वो मांग कर रहे थे कि TGT PGT में जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ा दी जाए। और इसी क्रम में चयन बोर्ड ने इसका अंतिम निर्णय ले लिया है, 16 जुलाई 2022 अब इसकी अंतिम तिथि हो गई है। जी हाँ, 9 जुलाई से 16 जुलाई कर दी गई है। अब जो भी छात्र हैं वो 4,163 पदों पर जो ये आवेदन चल रहे हैं उसमें आप अब 16 जुलाई 2022 तक इसके लिए आवेदन
कर सकते हैं। तो फटाफट आवेदन कर लें क्योंकि इसके बाद अब आपको मौका जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण और अहम सूचनाएं थी शिक्षा रोजगार जगत की। उम्मीद आपको पसंद आई होंगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।